भाई कितने साल पुराना है? 2500 साल पुराना है। उसका नाम जो ऊपर वाला, हाँ उसका ना स्लीपिंग लेडी है। स्लीपिंग लेडी, हाँ। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस दिन यह हाथ खंडित हो जाएगा, बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तो कल हम आ गए थे जोशी मठ में, जहाँ पे हम पहले रुके थे बाबा जी के पास गुरुद्वारा साहिब में, तो रात भी इनके पास ही रुके थे। तो आज हमें ये लेके जा रहे हैं यहाँ पे जोशी मठ में, कल्प वृक्ष है जो 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना पेड़ है जिसके नीचे बैठकर शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। तो 2500 साल पुराना पेड़ है, तो वो अभी दिखाएंगे हमें। तो चलिए बाबा जी, चलो जी। जोशीमठ का जो गुरुद्वारा साहिब है श्री हेमकुंड साहिब, जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और ये सारी मार्केट है जोशीमठ की। और सामने आप मौसम देख रहे हो यार, कैसे बादल आए हुए हैं। वैसे गर्मी है, परली तरफ बद्रीनाथ है। अच्छा, इसे परली बद्रीनाथ, हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ से बद्रीनाथ भाई कितना सी तो भाई 45 किलोमीटर है, लेकिन है इसके पीछे ही। तो ऊपर से घूम के जाना पड़ता है ना? हाँ जी, ऊपर से सारा मतलब कि घूम के जाना पड़ता है बाबा जी ना, मतलब कि यहाँ पे सब चीज़ आसपास का जो मतलब सब ट्रैकिंग वगैरह भी कर रखी है इन्होंने, और इनका यूट्यूब चैनल भी है, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो ये उस पर डालते हैं, आप भी इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर यहाँ का कोई मौसम के बारे में, वेदर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी डे बाई डे, कभी भी आपने हेमकुंड साहिब आना है तो इनका चैनल का नाम है हेमकुंड वासी, तो इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप कभी भी आते हो आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो अभी बाबा जी ने बताया, जो ये रोड है ये पार्किंग है जोशीमठ सिटी की, आगे पार्किंग बनी हुई है, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहीं पे लगाते हैं लोग। इसके आगे जा गई कितनी का गया बाबा जी? अच्छा, यहाँ से राइट हो गए, वहाँ पे फिर गेट लगा हुआ है। तो ये पार्किंग वाली रोड से ये आपको राइट में ऊपर की तरफ जाना है, शंकराचार्य तपस्थली अमर कल्प वृक्ष, दूरी 100 मीटर। और ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे भाई, वो श्री केदारनाथ मंदिर। ये शंकराचार्य का मंदिर है, शंकराचार्य मंदिर, जोशीमठ शंकराचार्य मंदिर है जो बना हुआ है, आप देख सकते हो। एक और, हाँ जी, हाथी पहाड़ पे डेडी मुंबई लेडी खादी। अच्छा अच्छा, तुझे खादी? नहीं नहीं हुई। तो बाबा जी ने हमें बताया था यहाँ पे जो पहाड़ है ये हाथी शेप का बना हुआ है, ये देखो बैक, हाँ जी, ये हाँ नेक आ गया, ये माउथ आ गया। अच्छा इधर जो, ठीक है ठीक है, माउथ, ठीक है ठीक है। इधर ऊपर पहाड़ दिख रहा है, उसका नाम जो ऊपर वाला, हाँ उसका ना स्लीपिंग लेडी है। स्लीपिंग लेडी, हाँ उसका माउथ, ये इसके हेयर दिख रहे हैं, ये माउथ, ये नेक, ये चेस्ट, ये पेट, लेग्स खड़ी है, इसका नाम स्लीपिंग लेडी है। हाँ पूरा वो मतलब कि ना, हाँ अगर आप भी ध्यान से देखोगे आपको अच्छे पर लगे, ये माउथ आ गया, हाँ ये पेट, उसके बाद वो लेग और वो पैर, हाँ टांगे खड़ी, और ये हाथी जो बना हुआ है। कुदरत के नज़ारे हैं यार ये सारे। ये नाशपति के पेड़ आ गए इधर सारे। अच्छा नाशपति के, तो बाबा जी ने यार जोशीमठ और हेमकुंड साहिब बहुत सारे जितने भी ट्रैक हैं लगभग सारे ही कर रखे हैं। बाबा जी केड़े केड़े ट्रैक कर चुके हैं तुसी? मैं इधरला एरिया टोटल सारा ही घूमया हुआ। अच्छा जी, तो जरा उधर होर इतने वैसे आप जो जाना होगा ट्रैक है जी इतने नेड़े जोशीमठ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਪੋਵਨ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਪੋਵਨ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਪਾਸ ਆ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸਤੋਪੰਥ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਰੂਨਾ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੇੜ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਪੇੜ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੇਟ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਗੇਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਰ ਕਲਪ ਵਰਸ਼, ਤੋ ਇਹ ਪੇੜ ਹੈ।
ये पेड़ के पत्ते सैतूत की तरह हैं। सैतूत? हाँ ठीक है जी। तो पत्ते सैतूत की तरह हैं, इसका जो आकार है वो पीपल की तरह है, ये देखो। हाँ जी बिल्कुल जी, आकार जो बिल्कुल बिल्कुल हाँ पीपल की पेड़ की तरह है, वह खुरदला है सैतूत की तरह। हाँ खुरदला है पूरा ये। ये देखिए गाइस, और ये पेड़ भाई कितने साल पुराना है? 2500 साल पुराना है। तो ये आप इसे थले बैठ कर शंकराचार्य ने तप किया था। अच्छा जी, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे गुफा जहाँ इसके नीचे बैठ कर। और यार पेड़ आप देखो आज भी पूरा हरा भरा पेड़ पर है। अच्छा जी, इसके नीचे गुफा है जो बंद कर रखी है, तो वहीं पे तो जो भी जो आपको दिखाई वो गुफा थी। अभी आपको पेड़ के पास से हम दिखाते हैं, काफ़ी फैला हुआ है पेड़, पुराना भी बहुत हो गया ना, 2500 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने एक बाबा जी देखा था रास्ते में, 150 साल पुराना पेड़, वो था राजा पेड़। ये तो वर्ल्ड में 2-3 पेड़ ही हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, ये दिखाओगे इसकी हिस्ट्री, 2500। हाँ जी, वो 2500 वर्ष से विद्यमान, और पेड़ की जड़ें आप देख सकते हो यार कितना बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और नीचे तो इसके पत्थर है ना बड़ा। हाँ जी, कैसे हो? आज दुकान बंद करती है? हाँ, ये पांडव काल की पड़ी है। नमस्कार जी, कैसे पंडित जी, बढ़िया हो? ये पांडव काल की है। पांडव काल की? हाँ जी हाँ जी, साइड में अभी लगा दिया। ठीक है जी, ये मंदिर का अंदर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लेके जा सकते हैं। तो ये अंदर मंदिर बना हुआ है, हर हर महादेव। और इसी के पेड़ मतलब ऊपर पेड़ है ना? हाँ ये मंदिर है जहाँ पे मतलब उस साइड आपको गुफा दिखाई थी, और इस साइड मंदिर बना हुआ है जहाँ पे मतलब कि उन्होंने तपस्या की थी। और ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ है यार, बहुत ज़्यादा जड़ें फैली हुई हैं, देखिए आप यहाँ से मतलब कि वहाँ तक। हाँ जी, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इसकी। अंदर से थोड़ा हो रखा है क्योंकि पुराना बहुत है ना पेड़, तो लेकिन यार आज भी हरा भरा है पेड़ पूरा। और यहाँ पे यार शांति देखो, मतलब कोई आवाज़ नहीं किसी चीज़ की, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये हिस्ट्री और ये इतिहास जो लिखा हुआ है इसका, तो आप पढ़ भी सकते हो। करके गद्दी चल रही है ना, शंकराचार्यों ने चार मठ बनाए थे ना चारों दिशाओं में, एक बद्रीनाथ की तरफ, इधर जोशी मठ हो गया, उखी मठ हो गया, काली मठ हो गया, ऐसे चार मठ हैं।
अच्छा चार मठ है, चार मठ है, उनमें से एक ये है, उनमें से चारों मठ में से एक मठ ये है, क्योंकि चारों दिशाओं में है ना। हाँ जी, हाँ जी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बिल्कुल जी, चारों दिशाओं में से अंदर चलते हैं। स्वामी वासुदेव नंद सरस्वती जी महाराज की ये कुटिया है। ठीक है जी। हाँ जी, आपको महाराज जी बताते हैं, ये शंकराचार्य जी का, ये भी उन्हीं का बना हुआ है ये। हाँ, ये भीष्म पितामह जी की मूर्ति है, भीष्म पितामह जी की बनी हुई मूर्ति है ये, भीष्म पितामह जी पे है, तो उनकी यहाँ तीरों की सेज पे पड़े हैं, वो तीरों की सेज पे जो हाँ, ये लगे हुए ना जो हाँ, तीर है मतलब की, ठीक है, तीरों की सेज पे। ये बगल में सेब के बाग, सारा ये नाशपाती के सेब के, सेब और अखरोट के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है जी, और ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से जोशीमठ से ट्रॉली चलती है ओली के लिए। अच्छा, जोशीमठ से ट्रॉली ओली के लिए चलती, अच्छा, है ओली के लिए। हाँ, मैक्सिमम जो यहाँ से ओली है वो है 16 किलोमीटर। ठीक है जी, बाय ट्रॉली जाते हैं तो चार किलोमीटर पड़ जाते हैं। 4 किलोमीटर। और कितना टाइम की है वो मैक्सिमम? वो गवर्नमेंट है, सरकारी है। ठीक है जी, 9 से लेकर शाम 5 बजे तक चलती है वो। ठीक है, कितना टाइम में पहुँचा देती है हमें ओली में? वो पहुँचा देती है आधे घंटे में। आधे घंटे में, ठीक है जी। और मतलब कि राउंड जो होगा 1 घंटे का हो गया उसका। तो अभी इस साइड, हाँ जी, ऊपर पुरातन शिवलिंग पड़ा है, पुरातन मंदिर है, क्यों जिस समय ये सारा कुछ ये एरिया ख़त्म हो गया था ना। हाँ जी, हाँ जी, ये सिर्फ ये मठ है, ये मठ रह गए थे यहाँ पे। अच्छा, और नीचे एक नरसिंह मंदिर है, वो दो चीज़ स्थान है, वो दो रह गए थे, बाकी ये सभी कुछ तबाह हो गया था यहाँ पे। आसपास का कुछ भी यहाँ पे नहीं था, ये सारे द्वारा वासो द्वारा बना है, और सिर्फ ये मठ और नरसिंह जो मंदिर है वो बच गया था। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ें यार बहुत कम लोगों को पता है। बाबा जी तो यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो जी आप? मैंने यहाँ पे रहते हुए 33 साल हो गए वैसे। अच्छा जी, 33 साल में 10 साल तो यहाँ मुझे जोशीमठ में हो गए। अच्छा जी, 33 साल उत्तराखंड में हो गए। हाँ जी, और 10 साल आपको जोशीमठ में। ये दाढ़ी यहीं चिट्टी होगी। और ये है श्री शंकराचार्य द्वार। और यहाँ पे देखिए भगवान शिव की भी मूर्ति बनी हुई है। तो अभी हम चलते हैं वापस गुरुद्वारा साहिब। तो बाबा जी ने आज हमें 2500 साल पुराने पेड़ की, और जो मठ मतलब कि सिर्फ जोशीमठ में सिर्फ मठ और एक नरगिस मंदिर, नरसिंह मंदिर है, वो विष्णु भगवान ने जिस समय जो कंस था ना, कंस को मारने के बाद जो अपने नरसिंह का रूप था यहाँ उतारा था उन्होंने अपनी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो सिर्फ मंदिर और जो ये मठ है यही बचा था। तो इस चीज़ के दर्शन करवाए, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो। हाँ जी, हेलो। तो शाम के 6:30 हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं नरसिंह मंदिर में। तो ये सामने रास्ता जा रहा है नरसिंह मंदिर के पास, और सामने यार शाम का माहौल देखिए आप, पहाड़ों के ऊपर कितने अच्छे लग रहे हैं ये बादल। और अभी हमें जोशीमठ की मार्केट में, और ये देखिए यार यहाँ पे कितना पुराना घर बना हुआ है। और जी क्या हाल है, ये कितना पुराना घर होगा? हाँ जी, बहुत पुराना है। नरसिंह मंदिर आ गई है ना? ठीक है। और ये देखिए यार,
नए घर भी बने हुए हैं लेकिन कोई कोई पुराना घर भी है यहाँ पे। और ये इस साइड भी, नीचे की साइड भी मार्केट है और दूसरी साइड ऊपर भी मार्केट है। और ये रास्ता जाता है नरसिंह मंदिर की तरफ, ये देखिए लिखा हुआ है हार्दिक अभिनंदन नरसिंह मंदिर, वासुदेवा मंदिर, दुर्गा मंदिर। देखिए यार कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसका इतिहास लिखा हुआ है। मंदिर के अंदर ना फोटो खींचना मना है इसलिए मैं आपको अंदर का दिखा नहीं पाया। और यहाँ पे बाहर बहुत बढ़िया बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। और ये बाहर से आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो अभी ये हमें भाई मिले हैं। और जी क्या हाल है, बढ़िया हो? बढ़िया। कहाँ से आए हो आप? गुजरात। गुजरात? अहमदाबाद। अहमदाबाद, अच्छा बड़ी दूर से आए हो आप तो। यहीं पे मतलब कहाँ कहाँ जाके आ गए अभी आप? पहले गए यमुनोत्री। यमुनोत्री, गंगोत्री। अच्छा जी, ठीक है जी। फिर कल गए केदारनाथ। केदारनाथ भी कर लिया आपने? अच्छा जी, तो अभी सिर्फ बद्रीनाथ फिर रह रहा होगा आपका। चलो चारों धाम हो गए फिर तो आपके। 10 बजे निकले थे। अच्छा जी, तो अभी अब पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा जी, आप ही आए हो तीन, यहाँ कोई फैमिली और भी साथ में? अच्छा ठीक है जी। और दो भतीजे है, ये भी मेरा भतीजा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो कैसे रहे दर्शन केदारनाथ जी? वहाँ तो जन्नत है पूरी। कल तो पूरे भीगी गए थे बारिश। हाँ जी, बारिश काफी हो रही है ना अभी इस मंथ में, होती है सितंबर में। बद्रीनाथ आने के बाद वो है कुछ, बद्रीनाथ आने के रास्ते पे वो बोलते ना मिनी स्विट्जरलैंड। हाँ, मिनी स्विट्जरलैंड। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे उत्तराखंड में हर जगह जहाँ पे मर्जी जाओ आप, स्विट्जरलैंड ही है। बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और अब ये नरसिंह भगवान, हाँ ये तो बिल्कुल, हाँ जी। अभी मैं भी यहाँ पे आऊँ, हमने बद्रीनाथ कर लिया। तो चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं। और वो पीछे आपको सारा जोशीमठ दिख रहा होगा। हेलो, हेलो, जय कर दो। हेलो, जय कर दो, जय कर दो, सुनो जरा, जय कर दो, जय जय करो तो। हेलो, जय कर दो, जय। आ जाओ, बोल, आओ, बोल, आ जाओ। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, श्री हनुमान मंदिर। और इस साइड श्री वासुदेव मंदिर, श्री अष्टभुजन गणेश, नवदुर्गा मंदिर और गौरी शंकर मंदिर।
जी, मैं संजय डिमरी, पुजारी श्री नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जोशीमठ से। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं, ये शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है, और यहाँ पे जो नरसिंह भगवान की प्रतिमा है वो स्वयंभू विग्रह है और आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ही स्थापित किए हुए हैं और उनके इष्ट देवता हैं। प्रायः सालिग्राम शिला पे आकृति निकाल ही नहीं जा सकती है, मगर नरसिंह भगवान का जो स्वरूप है वो स्वयं सालिग्राम शिला पे विराजमान है। इनकी विशेषता है कि इनकी जो बायां हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बाल के बराबर पतली है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस दिन यह हाथ खंडित हो जाएगा, बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल जी की प्रतिमा निकल रही है, फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। और बद्रीनाथ जी के जब कपाट बंद होते हैं, बद्री विशाल जी की पूजा इसी मंदिर में होती है, 6 महीने शीतकालीन पूजा है। और नरसिंह भगवान जी यहाँ पे कैसे पधारे, जब शंकराचार्य जी हिमालय की ओर आ रहे थे तो रास्ते में करण प्रयाग पड़ता है और पिंडर नदी का संगम है, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। पिंडर नदी में भगवान शंकराचार्य जी स्नान के लिए गए और सूर्य भगवान को जब अर्घ्य देते हैं, तीसरे अर्घ्य में ये प्रतिमा उनके हाथ में आ गई। और बताते हैं कि उस समय इनके नाभि मात्र में एक यंत्र हुआ था, यंत्र हुआ करता था जो बोलता भी था। तो जैसे ही शंकराचार्य जी इसको अपने इनको प्रतिमा को अपने केरल स्थान पे ले जाने लगे अपने गांव में, तो इस प्रतिमा से एक आवाज़ आई, मुझे हिमालय की ओर ही जाना है। तो तब से ये शंकराचार्य जी ने यहाँ पे इनकी स्थापना की। अभी आप देख रहे हैं कि ये मंदिर अभी 2-4 वर्ष हो रहे हैं पुनर्निर्माण किए हुए, बाहर से तो बना हुआ है ये नया। जब ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण जैसे पहाड़ों में घर होते हैं छोटे छोटे, तो ऐसे ही घर हुआ करता था जिसमें शंकराचार्य जी रहते थे और पूजा करने का स्थान था, तो वो टूटने का आधार पे आ गया था, तो ये फिर निर्माण किया गया। वैसे ये 2500 वर्ष पुराना प्रतिमा है। पहले तो हम मंदिर बोला करते थे, मंदिर तो बाहर से बन गया नया, तो ये प्रतिमा बोली जी। बहुत बहुत धन्यवाद, तो हमें पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से इतिहास बताया और हम हैरान हैं कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा हो रहा है वहाँ पे, अद्भुत अद्भुत इतिहास है। तो और उन्होंने हमें प्रसाद के तौर पे ये दिए सेब, वो हमें और पैसे दे रहे थे, पर पैसे भी दे रहे थे हमें चाय पानी के लिए, कह रहे आप इतनी दूर से आए, लेकिन फिर हमने मतलब मना किया उन्हें, तो उन्होंने प्रसाद दिया हमें। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और आपको फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।